नमस्कार दोस्तों, आज संध्या के किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारी लाइक कीजिए। तो जैसे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे सब्जी सोयाबीन की बन के रखा है। इसी तरह से सोयाबीन की सब्जी आज अपने किचन में हम बनाने चल रहे हैं। तो इस तरह से सब्जी आप बनाएंगे, सोयाबीन को आपको बार बार चिकन याद दिलाएगा। तो इसकी सब्जी बनाने हम चल रहे हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, बहुत टेस्टी ठंडी के मौसम में सब्जी होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, हमने सोयाबीन पैकेट के लिए हैं, आप खुलता भी सोयाबीन ले सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, दो टमाटर हमारा है। यहाँ पे हमने दो छोटे साइज में लहसुन को छिलके उतार लिए हैं, अदरक, एक हरी मिर्च लिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, प्याज को भी छिलके उतार के बारीक हुए प्याज को भी काट लिए हैं। इन सभी चीज़ों को एक साथ में हम मिक्सर में पीस लेंगे पहले। अब यहाँ पे देख रहे हैं, पैकेट को हम जैसे फाड़ ले रहे हैं पहले। इसमें तो सोयाबीन जैसी रहता है, बिल्कुल अच्छी रहता है सब्जी के लिए। अब यहाँ पे ले लिए हम सोयाबीन को। यहाँ पे करिए, हम तेल को डाल दे रहे हैं गर्म करने के लिए, और सोयाबीन को हम धो के रख लिए हैं पहले। तो सोयाबीन को हम तुरंत डाले हैं पानी में, धो के निकाल लिए बाहर। अब इसमें नमक हाफ चम्मच डालेंगे पहले, इसके बाद हल्दी डालेंगे, जीरा पाउडर। अब यहाँ पे देख रहे हैं, तीन चम्मच बेसन हमने लिए हैं छोटे चम्मच से। तो बेसन को ऐसे मिला लेंगे हम अच्छे से पहले। तो यहाँ पे बेसन को मिलाते जाएंगे हम, मिक्स करते जाएंगे। अब यहाँ पे इसको अच्छे से मिला लिए हैं। तो लाल मिर्चा पाउडर हम डालेंगे हाफ चम्मच। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे पहले। तो इसमें हम देखें, जैसे कि तीन चम्मच हम बेसन मिलाए हैं। तो जब भी आपका तेल गर्म हो जाए तभी इसको डालिए आप। अब तेल में हम इसको छोड़ दे रहे हैं पहले। तेल में छोड़कर अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये जैसे इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका चिपकेगा नहीं सोयाबीन। अब इसके हल्के ब्राउन तक भुजेंगे इनको पहले हम। हल्का ब्राउन हमारा भुजा गया है तो अब इसको प्लेट में निकाल ले रहे हैं। प्लेट में निकाल कर यहाँ पे लौंग और इलायची को तड़के में डाल दिए, तेजपात दो पीस। अब यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि हींग को डाले हैं आधे चम्मच छोटी चम्मच से। अब यहाँ पे प्याज का पेस्ट जो पीस के रखे हैं मिक्सर में, उसको भी डाल दे रहे हैं। प्याज अदरक लहसुन को एक ही में हमने पीस लिए थे मिक्सर में। इस तरह से पीस के डालने पे जैसे इसका झोल गाढ़ा हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं, हम एक चम्मच मसाला ले लिए हैं, एक चम्मच हल्दी, लाल मिर्चा पाउडर। इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम डाल लिए हैं, मिक्स करेंगे अब इसमें। इसमें पानी पहले मिला लेंगे। मसाला को जब भी डालना चाहिए पानी में घोल बना के डालना चाहिए। यहाँ पे मसाले को भी इसी के साथ में हम भून ले रहे हैं पहले। तो दोस्तों, इस तरह से सब्जी ज़रूर आप बनाएं ठंड के मौसम में, बहुत टेस्टी सब्जी होता है। टमाटर का पेस्ट बनाए थे, टमाटर को भी डाल दिए इसमें। नमक अपने स्वाद के अनुसार से डालेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसके बाद हम आलू बारी हुए एक आलू काटे हैं एक पीस। तो बड़े साइज में हम आलू काटे हैं, आप दो पीस भी ले सकते हैं आलू को। इसमें हम मिक्स करके अब इसको भूनने लगे, मसालों को ढककर पकाएंगे अच्छे से। इस तरह से देखिए हमारा सब्जी कितना गाढ़ा अभी से लग रहा है। तो मसाला हमारा पक चुका है। अब यहाँ पर मटर हल्के से डालेंगे। इसमें मटर को भी ऐड कर दिए। आप इसमें देख रहे हैं, जैसे कि
अच्छे से मिक्स कर लिए मिलाकर हम। इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम पका लिए हैं। अब इसमें सोयाबीन को डाल के मिक्स कर लेंगे पहले। अब यहाँ पे देख रहे हैं सोयाबीन की भी मिला दी अच्छे से। अब यहाँ पे धनिया पत्ती हम डालेंगे इसमें। धनिया पत्ती डालकर अब इसको जैसे एक कप पानी इसमें डालेंगे कि अच्छे से हमारा पक जाए सब्जी। अब बहुत टेस्टी ये सब्जी बन रहा है। तो यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं कि हमारा सब्जी बिल्कुल अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम पानी मिलाएंगे एक कप। एक कप पानी इसमें हम डाल दिए हैं तो अच्छे से हम पकने के लिए इसको ढक देंगे। देखिए सब्जी का कलर हमारे बहुत अच्छा आ गया है और सब्जी हमारा पक भी चुका है अच्छे से। अब इसको चेक कर ले रहे हैं कि पका है कि नहीं। अभी आलू को देखकर एक आलू प्लेट में हम लेंगे, इसको दबाएंगे। यहाँ पे हाथ से हम छुएंगे आलू को, पहले मलेंगे। आलू हमारा पक चुका है अच्छे से, सब्जी हमारा हो गया है। यहाँ पे सब्जी को हम उतार ले रहे हैं। दोस्तों ज़रूर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारी लाइक कीजिए। फिर हम नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।